हेलो एवरी वन वेलकम टू श्री राम आई एस चैनल दिस इज आरजू कक्कर वेर वी कवर द अफेयर्स एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट यू कैन सी इन न्यूज सो टूडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट द अल्मा टेलीस्कोप दैट इज इन न्यूज़ बहुत ही ज्यादा सुर्खियों में और आपने काफ़ी हेडलाइंस जो है ऐसे न्यूज़ में देखी होंगी वट इज अलमा टेलीस्कोप दैट विल सून गेट अ न्यू ब्रेन तो कौन से न्यू ब्रेन की बात करी जा रही है कैसा ये टेलीस्कोप है कहाँ पर है इसकी प्रॉपर्टीज़ कौन सी कंट्रीज इससे एसोसिएटेड है सो एवरी थिंग विल भी कवर्ड इन कम्प्लीट डिटेल ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट सब्सक्राइब टू द श्रीराम आई एस चैनल फॉर फरदर नोटिफिकेशन ऑफ दीज वीडियोज और अगर सेशन अच्छा लगे बाई द एंड ऑफ दिस लेक्चर जस्ट गिव अ थम्स अप साइन टू दिस सेशन एज वेल शुरू करती हूँ विदाउट टेकिंग एनी टाइम तो यहां पर सबसे पहले अलमा टेलीस्कोप अगर आप बोल रहे हो तो इसका फुल फॉर्म क्या है अटकामा लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर एरे ये इस टेलीस्कोप का फुल नेम है अगर मैं बोल रही हूँ दैट न्यूज के मैं क्या बोलूंगी न्यूज कह रही है दैट इट इज गोइंग टू हैव अ न्यू ब्रेन न्यू ब्रेन का मतलब ये है जो इसके जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर है नाउ दिस टेलीस्कोप विल गेट द अपग्रेड ऑफ इट और उससे इट विल बी एबल टू कलेक्ट मच मोर डेटा और और ज्यादा शार्पर इमेजेस जो है ये टेलीस्कोप प्रोड्यूस करेगा तो यहाँ पर इस, इस टेलीस्कोप के बारे में जानते हैं कहाँ पर है ये टेलीस्कोप उसको मैप में भी देखेंगे लोकेशन को फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ रेडियो टेलीस्कोप कंप्राइजिंग 66 सिक्स ये अगर आप देख रहे हो यहाँ पर तो देखो ये uh, इसको एरे ऑफ टेलीस्कोप इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत से इसके are, uh, 66 एंटीनास देर आर लोकेटेड और ये ये 16 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये स्प्रेड है एंड दे आर लोकेटेड इन द अटाकामा डेजर्ट ऑफ द नॉर्दर्न चिली तो यहाँ पर है ये टेलीस्कोप सवाल ये भी बनता है आपके माइंड में आना चाहिए कि वाई हेयर अटाकामा में क्यों तो उसके सवाल का जवाब इस सेशन के एंड में मिलेगा लेकिन उससे पहले ये देख लो जब मैं इसकी फॉर्म आपको बता रही थी अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो अटकामा लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर एरे तो यहां पर ये यह जो मिलीमीटर सब मिलीमीटर में यूज कर रही हूं ये जो टर्म इसके अंदर है फुल फॉर्म में बेसिकली यहां से आती है क्योंकि ये जो टेलीस्कोप है इट स्टडीज सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स एट दिस वेवलेंथ मिलीमीटर और सब मिलीमीटर वेवलेंथ में और इस वेवलेंथ में बेसिकली दे कैन पेनिट्रेट थ्रू द डस्ट क्लाउड्स है और उससे एस्ट्रॉनमर्स कैन एग्जामिन द डिस्टेंट गैलेक्सीज एंड स्टार्स ऑल्सो अब न्यूज में इसलिए है, इसको न्यू ब्रेन मिलने वाला है क्योंकि यहां पर इसके जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर है इट इज इट विल बी अपग्रेडेड एंड इट विल कलेक्ट मच मोर डेटा मच प्रोड्यूस मच शार्पर इमेजेस देन एवर बिफोर और इसके अपग्रेडेशन में इट विल टेक फाइव इयर्स लग जाएंगे टू फिनिश इट और इसकी कॉस्ट है दैट इज थर्टी सेवन मिलियन डॉलर्स ये काफी पार्टनरशिप है ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन तो इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं यू कैन सी यूरोप यूएस जापान कैनेडा ताइवान रिपब्लिक ऑफ कोरिया इन कॉपरेशन विद रिपब्लिक ऑफ चिली मैप में अगर आप देखो चिली कहाँ है अटकामा डेजर्ट कहाँ है तो ये साउथ अमेरिका और यहाँ पर पेरू अर्जेंटीना बोलीबिया और ये है चिली और इधर है आपका अटकामा डेजर्ट राइट इस टेलीस्कोप की क्या खास बात है ये टेलीस्कोप लार्जेस्ट और इसकी बहुत ही मतलब आई वुड से इट हैज इसकी जो प्रॉपर्टीज ऑफ सिक्सटी सिक्स ये अपने आप में एक आ, स्पेशल फीचर है इसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंसिविटी है टू कलेक्ट टू डिटेक्ट इवन फेंट रेडियो सिग्नल्स एंड प्रोड्यूसिंग द शार्प इमेजेस अब यहां पर जो अपग्रेडेशन और मॉडर्नाइजेशन की बात हो रही है वो कोरिलेटर में भी है अल्मा यूजेस कोरिलेटर सुपर कंप्यूटर का नाम सुना है सबने जो सुपर कंप्यूटर होते हैं तो यहां पर इन यहां पे जो में, जो है, उसको रिलेटेड right? so तो बेसिकली क्या होता है जो अलग अलग ये जो टेलीस्कोप है सिक्सटी सिक्स एंटीनाज इनके पास जो डेटा ये कलेक्ट करते हैं जो को रिलेटर है फाइनली एंड डेटा के लिए वो डेटा को सारा कंबाइन करना उसको

राइट right. तो इसकी एक एक्स्ट्राऑर्डनरी सेंसिटिविटी है 66 सिक्स एंटीना जो इक्यूबड है इसके साथ दे ऑल आर डिजाइन टू डिटेक्ट दी स्पेसिफिक रेंजेस ऑफ दी वेवलेंथ ऑन दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जिसमें रेडियो uh, वेव्स आपने सुनी होंगी लॉन्ग वेवलेंथ से शॉर्ट वेवलेंथ पे जब हम चलते हैं तो उन वेवलेंथ को यहाँ पर बेसिकली इट इट डिटेक्ट्स और फिर यू गेट दी शार्प इमेजेस आल्सो ऑफ द डिटेल्ड इमेजेस ऑफ द सेलेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स सवाल ये आता है कि ये जो टेलीस्कोप है इतना बड़ा टेलीस्कोप ये इसकी लोकेशन स्पेसिफिकली अटाकामा डेजर्ट क्यों है अगर आप देखो तो इसका एल्टीट्यूड वे जहां पर ये सिचुएटेड है अल्मा टेलीस्कोप इट इज 16570 फीट अबव द सी लेवल प्लेटो है एक वहां पर ये लोकेटेड है क्योंकि जब ये वेव जो है वो डिटेक्ट करता है सो हेज टू एग्जामिन द यूनिवर्स यहाँ मॉइस्चर नहीं चाहिए और ये एक सुटेबल प्लेस है मतलब आप बोलोगे इट इज अ दिस डेजर्ट इज अ ड्राइएस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड जीरो मॉइस्चर नो एटमोस्फेरिक वाटर वेपर एब्जॉर्ब देर क्लियर क्लाउड्स होते हैं एंड फ्री ऑफ लाइट डिस्टोटिंग मॉइस्चर आर देयर विट मेक्स इट अ परफेक्ट लोकेशन फॉर एग्जामिनिंग द यूनिवर्स तो आई होप आपको ये चीजें जो है ये समझ आ गई होंगी और ये uh, टेलीस्कोप जो न्यूज में है इसकी क्लैरिटी आपको अच्छे से मिल गई है फॉर मोर सच इंफॉर्मेशन डू सब्सक्राइब टू श्री राम आई एस यूट्यूब चैनल शेयर दी सेशन विद योर अदर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉगेट टू लाइक दिस सेशन एज वेल थैंक यू एवरी वन टेक केयर